शिक्षा विभाग ने घुमारवीं के 30 और स्वारघाट क्षेत्र के 40% अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल कुछ दिन पहले प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सुदर्शन सिंह की अध्यक्षता में प्री प्राइमरी स्कूलों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई थी। इस दौरान जिले के घुमारवीं और स्वारघाट क्षेत्र के 40% अध्यापक शामिल नहीं हुए, जिसके चलते उपनिदेशक ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। सभी से एक सप्ताह के भीतर इसका जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि पिछले सत्र में 335 प्री प्राइमरी स्कूल चल रहे थे, वहीं इस सत्र 5 नए प्री प्राइमरी स्कूल बढ़े हैं, जिनसे अब जिले में 340 स्कूल हो गए हैं, लेकिन बच्चों की संख्या में कमी आई है। पिछले सत्र में 1960 का आंकड़ा था, वहीं इस सत्र आंकड़ा करीब 30% कम हो गया है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशानुसार सभी उपनिदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मसले पर विचार विमर्श करने के आदेश जारी हुए थे। ऐसे में प्रारंभिक उपनिदेशक सुदर्शन सिंह की अध्यक्षता में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई थी, लेकिन घुमारवीं और स्वारघाट क्षेत्र के कुछ अध्यापक इस मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आए, जिसके चलते तुरंत प्रभाव से उपनिदेशक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि प्री प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया भी जारी है। 30 सितंबर तक बच्चे घर बैठे प्री प्राइमरी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। इस संदर्भ में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जिला बिलासपुर में जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, इसको लेकर एनरोलमेंट ड्राइव जो है हमारे जिले में चला हुआ है बिलासपुर में, उसके लिए अलग अलग ब्लॉकों की हमारी VCs जो है इंस्ट्रक्शंस उनको टीचर्स को दी जा रही हैं। तो उसमें हम डेट्स देते हैं, सभी टीचर्स को बोलते हैं कि आप VC अटेंड करें। और इसके लिए हमने दो ब्लॉक्स में जो हमारे टीचर्स कम आए VC में, जैसे घुमारवीं है, स्वारघाट है, तो उन टीचर्स की हमने लिस्ट मंगवाई थी जिन्होंने VC नहीं अटेंड की। और घुमारवीं और स्वारघाट की जो परसेंटेज की बात करें तो 30% घुमारवीं में और 40% जो है हमारे स्वारघाट में टीचर्स कम पाए गए थे VC में, इतने होने चाहिए थे। तो उसके अनुसार हमने उनके नाम उगा कर उनको हमने एक्सप्लेनेशन दे दी है, शो कॉज दे दिया है क्या कारण रहा, कि नेट की प्रॉब्लम थी, कि आपको सूचना नहीं पहुंची, जो भी उनका शो कॉज आएगा उसके अनुसार एक्शन लिया जाएगा।